दोस्तों, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपने सैमसंग का M11 जिसका प्राइस है 10,990। वहीं पर आपको सैमसंग का M30 मिलता है सेम प्राइस में। तो आज हम इन दोनों फ़ोन में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन है बेस्ट आपके लिए। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले से। तो M11 की डिस्प्ले है 6.4 इंच की, रेजोल्यूशन है 720x1560 पर 1560 पिक्सल, और उसमें TFT IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। और M30 की डिस्प्ले है 6.4 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x1340 पर 340 पिक्सल, और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग जैसे M30 आगे है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और फुल HD में रेजोल्यूशन दिया गया है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो M11 का है स्नैपड्रैगन का 450 का, CPU है 1.8 GHz ऑक्टाकोर का, और उसमें 14 नैनोमीटर का फिनपैट, और उसका GPU है 506 का। और M30 का प्रोसेसर है एक्सनोस का है 7904, CPU है 1.8 GHz ऑक्टाकोर का, और उसमें 14 नैनोमीटर का फिनपैट, और उसका GPU है जी कहते हैं MP2 का। दोनों फ़ोन के प्रोसेसर में ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो M11 का है एंड्रॉइड 10 और M30 का है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो M11 का है ट्रिपल 13+5+2 मेगापिक्सल का, और M30 का बैक कैमरा भी ट्रिपल है 13+5+5 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो M11 का है 8 मेगापिक्सल का और M30 का है 16 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M30 आगे हैं और बैक में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं बैटरी की, दोनों में सेम है 5 mAh की बैटरी है दोनों फ़ोन में। दोनों फ़ोन में बैटरी टाइप्स नॉनेबल हैं, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बात करते हैं चार्जर की, दोनों में सेम है 15 वाट का चार्जर है, टाइप सी का सपोर्ट है, 3/5 मिनट दिया गया है, और फिंगरप्रिंट फेशियल भी दोनों फ़ोन में दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फ़ोन में 2 सिम 7 mAh डाल सकते हो, और कनेक्टिविटी दोनों में 3G 4G की है, और वारंटी सेम है 1 साल की, और दोनों फ़ोन में बैक साइड प्लास्टिक है, और बात करते और फ्रंट साइड ग्लास है, गोरिल्ला का 3 प्रोडक्ट से बना हुआ है। बात करते हैं रैम की, तो M11 में है 3 GB 4 GB की, और M30 में है 3 GB 4 GB और 6 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, तो M11 में 32 GB 64 GB की, और M30 में 32 GB 64 GB और 128 GB की। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो M11 आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है, M30 में आपको 16 MP फ्रंट कैमरा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फुल HD में रेजोल्यूशन मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो दोनों का सेम है 3 GB और 32 GB का प्राइस 10,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद आया? अगर आप दोनों फोन से कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो आप सैमसंग गैलेक्सी M30 के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है M11 से। बाकी आपकी सोच ही, आपको देखना है कौन सा फ़ोन पसंद आता है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन से कौन सा फ़ोन पसंद आया। बाकी आप M30 के साथ जा सकते हो अगर दोनों फोन से कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो।